अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपकी खिदमत में तीन सेट पेश किया है जिसमें 2017, 18, 19 तक के क्वेश्चन शामिल थे। जिन स्टूडेंट ने उसको देखा होगा तो काफ़ी फायदा हासिल किया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। और ये आपके लिए चौथा सेट है, इसमें 60 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके तमाम ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें चुने गए हैं और 2020 से लेकर 2022 तक 20, 21, 22 तीन साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तमाम क्वेश्चन इसमें शामिल है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। लिखा है कि हिदायत में के तमाम सवालात लाजमी है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपके इम्तिहान में बैठे नहीं हो। इम्तिहान में आपको 60 देकर के 50 मांगता है, 100 देकर के 50 मांगता है, लेकिन इसमें आपको ट्राई करना है या तमाम क्वेश्चन का आपको जवाब देना है अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि आपने कितना दम है, कितनी आपकी सलाहियत है। आइए देखते हैं, सवाल नंबर एक में है कि दरअसल में खिताब क्या है। बुलबुल हिंद, मरियम, गालिब, पद्म भूषण, इसका सही जवाब क्या होगा? स्टूडेंट, इसका सही जवाब आप जानते हो तो कमेंट में देना, नहीं तो जवाब का इंतजार करना। और जो आप नहीं जानते हो उसको नोट बनाना, काफी आपको फायदा होगा। खिताब पूछ रहा है, सही जवाब ए, बुलबुल हिंद जो है खिताब है। सवाल नंबर दो में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं 31%, 21%, 11% या फिर 14%। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका, चुनिए आप, आपको याद है तो, नहीं तो इंतजार कीजिए, सही जवाब बी, 31%। सवाल नंबर तीन में है कि जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है। देख रहे हैं आप, 4 विकल्प दिया है, इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब का क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का? सही जवाब का होगा डी, बिल्कुल परफेक्ट है, 0.75 सेल्सियस। ठीक है, 0.75 सेल्सियस सही जवाब हो गया। देखते हैं सवाल नंबर चार में, हसन नईम किस शोभा में मुलाजमत करते थे? वजारत दफा, वजारत खारजा, वजारत रेल या वजारत दाखिला? ये स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही जवाब क्या होगा? आप देख रहे हैं सही जवाब होगा आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, वजारत दाखिला। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर पांच में, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007, 2006, 2005, 2004। सही जवाब ए, 2007 में। थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं ताकि आप जवाब चुन सकें। सवाल नंबर देखते हैं छह में, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? जवाब में दिया है मुनासिब, गैर मुनासिब, अलिफ बे और दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपको जवाब देना होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, सही जवाब क्या होगा? स्टूडेंट बी होगा, अलिफ और गैर मुनासिब। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब क्या होगा? जमीन से जनों के लिए मुनासिब है, गैर मुनासिब? जवाब होगा आपका ए, मुनासिब है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर सी में, सात में, आलमी हिद्दत दर्जल में से क्या है? आलमी हिद्दत कसीदा, खिता, मजमून, नाविल? क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब आपका होगा जी स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखते हैं सवाल नंबर आठ में, हम लोग खाएंगे कौन सा सेगा है? ये आपके ग्रामर के तालुक सवाल है। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकलीम, जमा मुतकलीम। हम लोग खाएंगे कौन सा सेगा है? सही जवाब डी होगा, जवाब मुतकलीम। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर नौ में है, रिया मजमून के मजमून निगार कौन है? देख रहे हैं, मिर्जा गालिब, सर सैयद अहमद खान, कमर जहां, लुत्फुर रहमान, रिया सबक के? सही जवाब बी, सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर दस में है,
कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला? 1817, 1878, 1865 या फिर 1898। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? बी 1878। देखते हैं सवाल नंबर 11 में सोहैल अजीब बादी का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मोहम्मद मोहसिन, असदुल्ला खान गालिब। सही जवाब बी सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 12 में है नगार अजीम का असल नाम क्या है? नगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका महर नगार, मुमताज़ बेगम, नूरजहाँ, अहमदी बेगम। सही जवाब ए मलका महर नगार। सवाल नंबर 13 में है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1938, 1920। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ए 1910। देखते हैं सवाल नंबर 14 में असदुल्ला खान के वालदा का क्या नाम था? महर नगार, अजीजुन्नेसा, नूरनेसा, इज्जतुन्नेसा। तो जी स्टूडेंट सही जवाब क्या होगा आपका? जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो इसको याद कीजिए। सही जवाब डी होगा, इज्जतुन्नेसा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 15 में शामिल नसाब इंडिया गेट के शायर कौन है? परवेज शाहिदी, नेदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद, चकबीज। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा जी स्टूडेंट? सही जवाब सी जगन्नाथ आज़ाद। सवाल नंबर 16 में है अजनबी चेहरे किनकी तसनीफ है? ए कमर जहां, बी मोहम्मद मोहसिन, नगारे अजीम, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अजनबी चेहरे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? ए कमर जहां। देखते हैं सवाल नंबर 17 में फिरार किस सबक से किस सिंफ से ताल्लुक रखता है? अफसाना, ड्रामा, नावल या मुकाला। स्टूडेंट की मैं बताऊं आपसे कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेहनत हमारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो जाए। सही जवाब ए अफसाना है। सवाल नंबर 18 में रुकैया किस अफसाने के मरकजी किरदार हैं? रुकैया किस अफसाने के मरकजी किरदार हैं? फिरार, कटी विशाख, भाभी जान, आशियाना। सही जवाब सबक नंबर सी है, भाभी जान, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 18 के बाद 19 में अफसाना भाभी किसका लिखा हुआ है? शकील अख्तर, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सोहैल अजीम आबादी, कमर जहाँ। तो आपको ही मालूम होना चाहिए कि भाभी जान जो सबक जो है सोहैल अजीम आबादी ने लिखा है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 20 में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? इस चैप्टर में इतना आपको फ़ायदा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो दरक्षा का हो, फिर रोशनी का हो या ग्रामर का हो, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। सवाल नंबर 20 में है सैयद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? नवादा, छपरा, पटना, सीवान। तो सही जवाब सी पटना में पैदाइश की हुई है। देखिए सवाल नंबर 21 में ये क्या है, ये आपको रोशनी आ गया, बगैर रोशनी के आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते, रोशनी भी आपको सही से पढ़ना होगा। अगर आपने सही से तैयारी नहीं किया है तो हमारे पास वीडियो लेकर के मुकम्मल तौर से रोशनी के 12 जो चैप्टर है आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तरादोई कहाँ रहती थी? आलिशान माल में, झोंपड़ी में, गार में, हॉस्टल में। तो इसका सही जवाब क्या देंगे आप? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आप चुनते रहिए कि आलिशान महल है या फिर कहाँ है। तो इसका सही जवाब मिलेगा आपको बी झोपड़ी में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 है सूरज का घोड़ा। जी स्टूडेंट सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? कन्नड़, असामी, बंगला, उड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा जानते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोशनी का इम्तिहान में बहुत अच्छा नंबर आता है रोशनी की तैयारी से। सही जवाब ए कन्नड़ जबान की कहानी है। सवाल नंबर 23 मलयालम किस रियासत की जुबान है? बिहार, असम, गुजरात, केरल। मलयालम की जबान की किस रियासत की जुबान है? सही जवाब होगा आपका डी केरल की जुबान मलयालम है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कर्नाटक की जुबान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक की जुबान क्या है? गुजराती, पंजाबी, असामी, कन्नड़।
तो स्टूडेंट कर्नाटक की जबान क्या है? सही जवाब डी होगा, कन्नड़ जबान है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 25 में पंजाबी अदब की तारीख को कितने अदवार में बांटा गया है? 3, 2, 4, 6। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा सी, 4 अदवार में बांटा गया है। सवाल नंबर 26 है, जरीना किस अफसाने का किरदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फरार, बी भाभी जान, सी घर से घर तक, और डी में आशियाना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा आपका डी, आशियाना सबक में जरीना का नाम आया है। जरीना है और उसमें इरफाना है, ये सब उनके उसमें नाम आए हुए हैं। तो ये देखते हैं सवाल नंबर 27 में, चार चेहरे किसका अफसानवी मजमूआ है? नगारे अजीम, सुहराजबादी और सैयद मद मोहसिन, डी में कमर जहां। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? बी होगा, सुहराजबादी। देखते हैं सवाल नंबर आपका 28 में, शरीफ का जिद मंदजैल में से कौन है? रसील, नेक, जवान और फिर मगरिब। तो सही जवाब शरीफ का मुतजिद क्या होगा? रसील होगा। क्या होगा? रसील होगा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, हकीकत का जमा दर्जैल में से कौन है? हकीकत की जमा मुहक्किकीन लिखा है या मुसन्निकीन लिखा है? तो गलत है, ये है हकायक, मकातिब, अफवाह। ये स्टूडेंट सही जवाब होगा बी होगा, हकीकत के जमा हकायक। ठीक है, सवाल नंबर 30 में, सना का माना दरजैल में से क्या है? सना, खम्बा, तरक्की, तारीफ, तौहीन। याद रखिएगा कि सना का सही माना क्या होगा? जवाब होगा सी, तारीफ। नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले नियत के बाद क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। तो सना माना क्या होता है? अल्लाह की तारीफ करना। हम्द के माना भी अल्लाह की तारीफ करना और सना का माना भी अल्लाह की तारीफ करना। तो सना का माना तारीफ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट जानते होंगे शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो सही जवाब कहाँ होगा? डी होगा, सीतामढ़ी में। ठीक है, सवाल नंबर 32 में है, परवेज शाहिदी की तारीख पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई, तारीख पैदाइश कब है? तो आप देख सकते हैं सही जवाब क्या होगा, 1910। सी जवाब सही है। सवाल नंबर 32 के बाद 33 है, चकबीस का पूरा नाम क्या है? अहमद फराज, बुज नारायण, दिलीप नारायण, कृष्ण नारायण। सही जवाब बी, बुज नारायण चकबीस। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 34, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेवकूफ क्वेश्चन है। गालिब ने मर्सिया किसकी मौत पर लिखा था? अपनी बीवी की मौत पे, अपने करीबी रिश्ते की मौत पे, अपने दोस्त की मौत पे, चाचा की मौत पे। तो सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा आपका बी, अपने करीबी रिश्तेदार के मौत पे। राइट, सही है। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, सलाम मछली के ताल्लुक किस शहर से? आगरा, दिल्ली, मछली शहर जौनपुर, कलकत्ता। सही जवाब सी। सवाल नंबर 36 में है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? गया, दरभंगा, पटना, बक्सर। हसन नईम की पैदाइश क्वेश्चन नंबर 36 है, सही जवाब कहाँ है? तो जवाब इसका होगा सी होगा, पटना में। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 37 में है कि हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन हसन डबल हो गया है, क्या कहेगा? पटना सही इसका भी है। 38 में है कि परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या है? परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या है? स्टूडेंट अहलिया कहते हैं बीवी को। सही जवाब बी होगा, फजीलतुन्नेसा, फजीलतुन्नेसा। सवाल नंबर 39 है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, पेशावर, लखनऊ, अलीगढ़। सही जवाब बी, पेशावर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका जवाब क्या आपका है? बी है, पेशावर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि सर सैयद की वफात कब हुई? जी स्टूडेंट 1898, 1895, 1890, 1892। क्वेश्चन नंबर आपका ये 40 है, उसका सही जवाब होगा आपका ए, 1898 में। ठीक है,
सवाल नंबर 41 में चकबीस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? फालिस की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, यरकान की वजह से, या फिर बुखार की वजह से? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, फालिस की वजह से उनके दिमाग पर फालिस लगा, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? वकालत, तबाबत, सिपागिरी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब आपका क्या होगा, जानते हैं? तो जवाब दीजिए उसको, सही जवाब होगा बे, तबाबत। ठीक है, सवाल नंबर 43 में नसीम के मसनवी का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा आपका गुलजारे नसीम, गुलजारे नसीम। देखते हैं सवाल नंबर 43 व 44 में कि आंख का तारा होना मुहावरा का माना जर में क्या है? दबदीद होना, बहुत प्यारा होना, जलील होना, आग बगोला होना। तो आंख का प्यारा होना, आंख का तारा ना मतलब होता है बहुत प्यारा होना, भी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में चकबीस की लिखी हुई नजम दर्जन में से कौन है? खड़ा डिनर, मुनाजरे फितरत, बिजली खंबा, हम नौजवान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या होगा आपका? बी होगा, मनाजरे फितरत, मनाजरे फितरत। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 46 में शोरा दरअसल में से किस लफ्ज का जमा है? शोरा, ये आपका ग्रामर आ गया। शोरा दरअसल में से किस लफ्ज का जमा है? फलक, मलक, शायर, शेर। सही जवाब सी होगा, सही जवाब सी होगा, शायर के जमा शोरा। सवाल नंबर 47 से अब्दुल मगनी किस चीज के प्रोफेसर थे? अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, उर्दू के? क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का सही जवाब क्या होगा? ये होगा, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। देखते हैं क्वेश्चन 48 में ताजमहल, ताजमहल मंदरजा ज़ैल में क्या है? सिफत है, इसमें आम है, इसमें खास है, जमीर है। ताजमहल क्या है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा मारफा खास, मारफा नकरा, और मारफाई को हम खास कहते हैं, और ताजमहल बिल्कुल परसेंटेज सही जवाब है, इसमें खास है। सवाल नंबर 49 में अल्लाह की तारीफ किस सिंह पे करते हैं? हमद में, नात में, मनकबत में, मरसिया में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपका ए, हमद में अल्लाह की तारीफ होती है। सवाल नंबर 50 है रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुकैया भाभी के देवर क्या नाम था? सही जवाब बी, अख्तर नाम था। सवाल नंबर देखते हैं 51 में आपे से बाहर होना मुहावरा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यार करना, बहुत गुस्सा होना, बिल्कुल जवाब सही, यही सही है, कौन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि देगची किस लफ्ज का मुसगर है? देगची किस लफ्ज का मुसगर है? बाघ, देग, चमचा, किस लफ्ज का? तो सही जवाब सी होगा। चलिए सवाल नंबर 53 है अफसाना सेकंड हैंड किस जबान में लिखी गई है? बंगला, कन्नड़, असामी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका सही जवाब क्या होगा आपका? कौन अफसाना सेकंड हैंड, जवाब इसका डी सही है, मलयालम में। ठीक है, सेकंड हैंड। सवाल नंबर आपका 54 है रया मजमून किसकी लिखी हुई है? रया मजमून किसकी लिखी हुई है दी स्टूडेंट? डॉक्टर मुगनी, सैयद सैयद अहमद खान, सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अजीम। सही जवाब बी, सैयद अहमद खान का। सवाल नंबर 55 है अंग्रेजिया बाबू के अफसाना नगार का नाम क्या है? महाश्विता देवी, हरि मोहन झा, पन्नालाल पटेल, इंद्र गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा आपका? बी होगा, हरि मोहन झा, हरि मोहन झा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 में कि कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? अब सिर्फ 60 क्वेश्चन ही बचे हैं, 60 क्वेश्चन में सिर्फ 56 हो गया, सिर्फ 4 बचे हैं, ध्यान सुनिएगा। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? जवाब होगा सैयद अताउल हक, सैयद अताउल हक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब देखिए 1910, 1912, 1915, 1920, सही जवाब सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में मौत के गम का इजहार किस सिर में की जाती है? अफसाना में, मरसिया में, मसनवी में, गजल में? तो मौत की जब बात आ जाए तो परफेक्ट है मरसिया के अंदर। जी स्टूडेंट, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम पेश करते रहेंगे, ग्रामर का प्रैक्टिस भी देने वाले हैं और देंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर आपका 59 है
कि इनमें से इसमें खास कौन सा है, पहाड़, जानवर, गंगा, शहर, इसमें खास। फिर वही बात आ गया, मारफा और नखरे वाली बात आ गई। सही जवाब सी होगा, गंगा जो है इसमें खास है या इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 60 आज के इस चैप्टर का, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से हक की जमा क्या है। ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जो आप जानते होंगे तो दीजिए कि हकायक, हुकूक, हुकूक, हके। सही जवाब ए, सही जवाब ए। जी स्टूडेंट, आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके हम नया प्रैक्टिस सेट लेकर के ऑब्जेक्टिव ग्रामर का। तब तक के अल्लाह हाफिज़।